दोस्तों सलार की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में स्टार्ट हो चुकी है और रिपोर्ट के हिसाब से सलार ने जो एडवांस बुकिंग अपने ओवरसीज में किया है वो अपने आप में रिकॉर्ड है, या यूं कह सकते हैं कि जवान जितने उसने ओवरसीज में एडवांस बुकिंग किया था उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और एक और खबर आ रही है कि डंकी की भी एडवांस बुकिंग ओवरसीज में स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो न्यूज आ रहा है या सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है वो बताया कि सिर्फ 4 ही टिकट बिके हैं, यानी कि 19 शो खोल चुके हैं लेकिन सिर्फ 4 ही टिकट बिके हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो सलार, जिसको कि पहले बताया जा रहा था कि प्रभास डर गए या प्रभास की टीम डर गई और 22 तारीख को रिलीज नहीं करने जा रहे, लेकिन अब ये आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं कि सलार जो है 22 तारीख को आ रही है और ओवरसीज में पहला प्रीमियर जो होगा 21 तारीख को ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 30 दिन बचे हैं सलार के रिलीज होने में, और सलार का जो पहला ट्रेलर आ रहा है 1 दिसंबर को आ रहा है, लेकिन उसके पहले जो ओवरसीज मार्केट में सलार ने प्री एडवांस बुकिंग में जो गदर या तबाही मचाया है वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। और इसीलिए, जी हाँ दोस्तों, इसीलिए प्रभास को डायनासोर बोला जाता है। और इसलिए क्यों बोला जाता है आपको मानना पड़ेगा, प्रभास की मूवी चाहे चले या ना चले लेकिन प्रभास के नाम पे ओवरसीज मार्केट से लेकर और इंडिया में वर्ल्ड वाइड में पहले दिन की ओपनिंग अभी तक जवान भी नहीं तोड़ पाई। ये है प्रभास का रिकॉर्ड और ये है प्रभास का दम। और ऐसे ही थोड़ा मैं बताऊंगा कि एनिमल की भी ओवरसीज मार्केट में उसकी जो एडवांस बुकिंग है वो खुल चुकी है। तो वो कहां बैठती है, सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई रणधीर सिंगर, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आप मेरे वीडियो से वंचित ना रह जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही प्यार करते रहो। चलिए वीडियो को शुरू करते। मैं पहले सलार का शो बताऊंगा और उसके बाद आज से तुलना करेंगे कि विगत जो 24 घंटे में क्या अंतर आया है। तो सलार का जो शो था यूएस में, कल 520 शो थे, 142 लोकेशन थे, 172 लोकेशन पे रिलीज हो रहा है और टिकट सेलिंग हुआ था 5072, और इससे जो एडवांस बुकिंग हुई थी 1,32,570 डॉलर की एडवांस बुकिंग हुई थी। अब जो सलार की जो एडवांस बुकिंग और शो काउंट है वो बढ़ चुका है ओवरसीज मार्केट में। जो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो सलार की जो लोकेशन 172 जो कल था आज 180 है, और शो काउंट जो कल 520 था आज 559 है, मतलब कल 520 था आज 559 है। और ऑक्यूपेंसी 8.44 है, ऑक्यूपेंसी मैं बता देता हूं। और इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है 1,51,233, मतलब 1,51,233, जो कि अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 1,25,99,000 के करीब करीब इसका एडवांस बुकिंग हो जाता है, मतलब 1,25,00,000 के आसपास का एडवांस बुकिंग आप बोल सकते हैं। इसके साथ ही मैं यूके का भी आपको बता देता हूं। यूके में इसकी जो टोटल जो लोकेशन है वो 70 है, शो काउंट है 91, और टिकट सेलिंग हुआ है 4,012, जिससे कि ऑक्यूपेंसी इसका है 90.96, मतलब काफी ऑक्यूपेंसी है, अभी 30 दिन बाकी है रिलीज होने में। और जो इससे एडवांस बुकिंग हुआ है वो हुआ है 25,704 पाउंड, मतलब इंडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 26,85,610 रुपए की एडवांस बुकिंग है। तो इंडिया अगर माने ओवरसीज मार्केट में केवल यूएस और यूके अगर आप दोनों को टैली करते हैं तो करीब करीब 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग 30 दिन पहले हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 30 दिन पहले। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि प्रभास की जो मूवी इसके पहले आई थी वो केवल बेंगलुरु रीजन की बात बता रहा हूं, बेंगलुरु रीजन में 800 प्लस शो मिले थे, लेकिन इस बार जो सलार को जो शो मिल रहा है
1000+ का शो मिल रहा है, केवल बेंगलुरु रीजन की बात बता रहा हूँ। और मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा हूँ कि इन लोगों ने ठान लिया है कि इस बार कोई भी डंकी शाहरुख कोई नहीं चलने वाला है। उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया है कि कैसे शो को अपने को निकालना है। इसलिए सलार मूवी के साथ एक नहीं कई डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं। उसमें मैं बताता हूँ कि नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म है जो अनिल तटानी का है, और ओवरसीज मार्केट में जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो है फास्ट फिल्म्स, और मैत्रेयी है साउथ का ले रहे हैं, साउथ में बहुत लोग हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि यूएस स्टेट वाइज इसका क्या बुकिंग हुआ है, कैसे हुआ है। आपको टेक्सास में इसका 2715 टिकट सेल्ड हुए हैं, इसमें 108 शो है, 19.61 की ऑक्यूपेंसी है। कैलिफोर्निया में भी 498 इसका टिकट सोल्ड हुआ है, 91 शो है, 4.29% की ऑक्यूपेंसी है। ऐसे ही वर्जीनिया में भी है इसका जो टिकट सोल्ड हुआ है, फोर्थ मैं जो जो मेन है वो बता देता हूँ रीजन का, 438 का टिकट सोल्ड हुआ है, 20 शो है, 13 पॉइंट का ऑक्यूपेंसी है। ऐसे ही वॉशिंगटन में देखने जाएंगे तो 368 का टिकट सोल्ड हुआ है, 14 शो हैं। और इसी तरह आप जाएंगे नॉर्थ जो कैलिफोर्निया है उसमें इसके टिकट शेयरिंग हुआ है 267, जिसमें 15 शो हैं। ऐसे न्यू जर्सी में आप जाएंगे तो इसका 146 टिकट सोल्ड हुआ है और 12 इसके शो हैं। तो इस तरह से स्टेट वाइज वहाँ पे इनकी टिकट सेलिंग हुए। इसके जो वहाँ पे थिएटर्स जो चेन है, जैसे यहाँ पे PVR है, सिनेपोलिस है, ऐसे वहाँ पे सिनेमेटिक थिएटर्स हैं, उसने 4443 के करीब करीब टिकट को सेल किया है। रीगल थिएटर्स जो है वो 794, मतलब करीब करीब 800 के इसने टिकट सेल किया है और करीब 200 के शो है। ऐसे ही MMC थिएटर है, मार्कस थिएटर है। तेलुगु लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा टिकट की सेलिंग हुए, 5744 तो केवल तेलुगु लैंग्वेज में शो टिकट सेलिंग हुए, और इसके 493 शो तो केवल तेलुगु लैंग्वेज के हैं। तो दोस्तों इस तरह से मुझे लग रहा है सलार जो है जो 4000 केवल जवान की जो टिकट सेलिंग हुई सिर्फ 4000 हुई थी, और ये 5700 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो अभी 30 दिन बचा हुआ है, तो सोचिए कि जब तक ये मूवी रिलीज होने के कगार पर जाएगी तो सलार डंकी को कितना पीछे छोड़ दोगी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि डंकी जो है सिर्फ 4 ही टिकट बिके हैं, पिछले महीने भी यही बताया गया था। तो अभी तक डंकी का जो है पीछे से लेकर अभी तक केवल 4 ही टिकट को आप देखिएगा, बताया जा रहा है कि 4 ही टिकट सोल्ड हुए हैं और 19 के करीब करीब शो हैं, क्योंकि डाटा जो है प्रोड्यूसर की तरफ से आया नहीं, तो अपने उस पर ज़्यादा बोल नहीं सकते अब कितना सच है कितना गलत है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। अब दोस्तों एनिमल से भी इसकी तुलना करते हैं कि एनिमल का भी प्री जो टिकट सेलिंग है वो ओपन हो गया ओवरसीज मार्केट में, तो US में एनिमल कहाँ खड़ी है, क्योंकि एनिमल अभी मतलब मेरे ख्याल से कल जो है उनका ट्रेलर रिलीज हो रहा है, 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है, तो करीब करीब एनिमल में बोल सकते हैं कि 9-10 दिन बाकी है। तो उसके बावजूद भी अगर देखते हैं तुलना करते हैं कि सलार के टिकट US में जो सेलिंग हुई है और एनिमल की जो टिकट सेलिंग है दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो एनिमल के बारे में बता देता हूँ, एनिमल का जो लोकेशन है 221 लोकेशन पर रिलीज हो रहा है, जिसमें शो काउंट है उसके शो मिले हैं 451, जो कि करीब करीब अगर देखा जाए तो सलार के करीब है, क्योंकि 520 के करीब उनका मैंने आपको बताया था, अब 575 के करीब करीब है, सॉरी 559 के करीब करीब उनका शो है, तो 100 शो कम है। लेकिन इसकी जो टिकट सेलिंग हुई है वो 3609 ही हुई है, 2000 कम है, और उससे $61,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। तो एनिमल अपने 9 दिन में अगर देखा जाए तो 30 दिन पहले सलार से बहुत पीछे है। इसीलिए दोस्तों प्रभास को चाहे आप कोई भी उनका हेटर हो या उनका विरोध करता हो या उनको पसंद नहीं करता हो, लेकिन आप प्रभास के जो एक पैन इंडिया जो इमेज है या पैन इंडिया पॉपुलैरिटी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए 30 दिन पहले जो एडवांस बुकिंग हुई है वो जवान तक के रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ता है, और अभी 10 दिन पहले जो बची एनिमल के वो उसके पास भी नहीं पहुंच पाती। तो सलार का एक बोल सकते हैं कि सलार में जो प्रभास का अपना एक ओरा है या अपना एक पावर है,
वो आपको इसकी ओवरसीज मार्केट में टिकट सेलिंग ऑक्यूपेंसी में दिखेगा आपको। तो इसीलिए उनको डायनासोर इसीलिए बोला जाता है कि मतलब पिक्चर अब कैसी आएगी, उसके बाद उसका रिस्पांस कैसा होगा, ये तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी टेलर 1 तारीख को रिलीज होगी तो उसके बाद भी और हाइप होगा कि कैसा टेलर है। टेलर जब पूरी तरह से फुल फ्लेज टेलर आएगी तब दर्शकों को और भी पता चलेगा कि आखिर मूवी में है क्या चीज़। लेकिन टेलर रिलीज होने के पहले इतनी एडवांस बुकिंग अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।